एक बात और सुन ले, जिन्होंने गर्भ में बेटियों को समाप्त कर दिया और गली में अब बेटियां खोजने के लिए जा रहे हैं, तो कहां से उद्धार, कहां से आत्मकल्याण होगा? बेटियों को भी जीने का अधिकार है। अंधाधुंध कन्याओं को पेट में मत मारो। वह पिता धरती के ऋण से मुक्त हो जाता है जिसे कन्या का कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। बेटियां हैं तो भविष्य है, बेटियां नहीं है तो कल नहीं है। बड़े भाग्यशाली वो भाई लोग, पिता लोग यहां बैठे हैं जिनके घर में बेटों से भी बेटियां दूनी है, दुगनी। बेटा एक तो बेटी दो, बेटा दो तो बेटी चार, बेटों से डबल बेटियां। बहुतों को तो एक भी नहीं होती। आपने प्रकृति से मान लिया चार बेटियां बहुएं ले ली, चार, और आपको बिटिया एक भी नहीं। आपने प्रकृति को बहु नहीं दी, बेटी नहीं दी, एक भी, तो आप प्रकृति के ऋणी हो गए। मान लिया जाए आपके घर में बेटा एक है, तो आपने प्रकृति से बहु एक ली, और आपके घर में बेटियां दो हैं और आपने प्रकृति को बेटियां दो दी हैं, प्रकृति आपकी ऋणी हो गई है, प्रकृति आपकी खरीदार हो गई। इसलिए बेटियों के जन्म पर कभी दुख मत मनाइए। और आज का तो समय ऐसा है, बेटा और बेटी में अंतर समझना ही नहीं चाहिए। बेटियां जहाज उड़ा रही हैं, आकाश में छलांगें भर रही हैं, और जितना आपके लिए बेटी समर्पित हो सकती है, बेटा तो उस लाइन में कहीं लगता ही नहीं, बेटी हर प्रकार से। तो नित्यम भूमौ च शयनम कुमारीणाम च पूजनम, धरती पर सो करके इस अनुष्ठान को आप पूरा कीजिएगा। बेटियों का रोज पूजन करें। कहा गया वस्त्रालंकार रही दिव्य भोजन शय सुदामयी, मीठे वचन बोलें, थोड़ी दक्षिणा दें, कपड़ा लत्ता दें। छोटी बेटियां हैं उनको वस्त्र दे दें, कापी किताब दे दें। माँ हलवा से और चना से अति प्रसन्न होती है। नवरात्रा में कल भी मैंने बोला है कि आप फलियार ले रहे हैं, आप अन्न नहीं खा सकते, लेकिन बेटियों को अन्न खिलाने से माता रानी अति प्रसन्न होती है। बेटियों को जमाने से उन्हें हलवा खीर है, नारंगी से माँ बहुत प्रसन्न होती है। नारंगी, कल भी मैंने हल्के में यह संबोधन किया है, फल के रूप में उन्हें नारंगी दें। वित्त साठ्यम न कर्तव्यम राजा शक्ति मखे सदा, देवी के यज्ञ में धन की कंजूसाई न करें। कोई भी आप अनुष्ठान करते हैं अपने भाग्य को कोसें, अपने भाग्य को ये कोसते हुए न कहें कि ये पैसा यूँ खर्च हो गया है। और जो आपने धर्म के ऊपर खर्च किया है, ईश्वर के असली रजिस्टर में तो खाते में तो वही